नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 21 में, आपके साथ शगुफ्ता खान। खबर जयपुर से है, जहां राजस्थान मेडिकल काउंसिल ने प्रदेश के तमाम हॉस्पिटल्स, क्लिनिक, मेडिकल व नर्सिंग शिक्षण संस्थाओं को अयोग्य कर्मचारियों की नियुक्ति को लेकर नोटिस जारी किया है। मेडिकल काउंसिल के अध्यक्ष डॉक्टर रवि प्रकाश माथुर ने बताया कि कई अस्पताल, नर्सिंग होम और एलोपैथी का उपयोग करने वाले क्लिनिक ऐसे डॉक्टरों को नियुक्त कर रहे हैं जो या तो अयोग्य है या रोगियों के इलाज के लिए अन्य शाखाओं में योग्य है। यह एक गैर कानूनी कार्य है जो प्रदेश में धड़ल्ले से किया जा रहा है। मेडिकल काउंसिल के रजिस्ट्रार डॉक्टर राजेश शर्मा ने बताया कि कई अस्पतालों व नर्सिंग शिक्षण संस्थाओं में अयोग्य फैकल्टी व स्टाफ का मामला सामने आया है। ऐसे में संबंधित संस्थाओं को नोटिस जारी किया गया है ताकि वे अपने पास उपलब्ध सुविधाओं की जांच करें और उसके अनुसार ही मरीजों को भर्ती करें। जयपुर से स्पेशल ब्यूरो रिपोर्ट। अब खबरें देखना हुआ और आसान, बस करना है एक छोटा सा काम, सब्सक्राइब करें न्यूज 21 चैनल और बेल आइकन दबाएं।